नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर जिसने विला अपनी मोहब्बत अपने जज्बे के तहत इमाम मजलूम को याद किया है, रस्म के शुक्रिया कह दिया जाता है लेकिन सवाब इतना बड़ा है, इतना अजीम है कि हम और आप एक दूसरे का शुक्रिया कैसे अदा करें, इसलिए कि सबका अपना एक ऐसा जज्बा है कि हम एक दूसरे के दिल को नहीं जानते किसकी कितनी मोहब्बत है, कौन कैसे आ रहा है। ये तो सिर्फ शहजादी कौन है नहीं जानती है और उनकी एक निगाह करम हमारे लिए नेमत है कि उस घराने का करम हम पर रहे जिस घराने पर हमेशा अल्लाह का करम न ऐसा घराना अव्वलीन आखिरीन में पैदा हुआ था न पैदा होगा। बात ही यही थी कि दुश्मनियां अपने उरूज पर इसलिए आ गई कि वो अपने हिसाब से समझते थे कि बनी हाशिम अब कमजोर हो गए हैं और वो दूसरे कबाइल की तरफ देखने लगे थे और वो देख रहे थे कि कुछ और कबाइल भी दौलतमंद हो रहे हैं, इसलिए उनकी तवज्जो तमाम कुरैश की, ये कुरैश के कबीले कहलाते थे जो 40 कबीले शबे हिजरत कत्ल मोहम्मद पर मुतहिद हुए थे। इससे पता भी चल गया कि मक्के में 40 कबीले थे और सबके सब मोहम्मद के दुश्मन थे। ना तारीख बदली जा सकती है ना इन सबों को फाड़ के फेंका जा सकता है, ना रावी पे कोई इल्जाम लिखते रहना है जब तारीख लिखी जाएगी सीरत मोहम्मद की तो ये लिखना पड़ेगा कि मक्के से निकलने का सबब यह हुआ कि 40 कबाइल दुश्मनी पर आमादा थे और ज़ात मोहम्मद से उन्हें दुश्मनी थी। ये तो अल्लाह ने अपने महबूब, चूंकि मोहब्बत का मरकज थे सरकार, इसलिए उसने ये करम किया सरकार पर
कि हिजरत की सुबह को दुश्मनी मोहम्मद का रुख अल्लाह ने मोड़ कर अली की तरफ कर उसका इश्क था और इसमें कहना पड़ेगा कि बगैर मुआहदे के ऐसे काम अल्लाह ने कभी नहीं किए। कुरान गवाह है, आसमानी किताबें गवाह हैं कि अगर किसी हस्ती से उसने पैक्ट किया, मुआहदा किया, तो अब तय है शब हिजरत अल्लाह और अली का मुआहदा हुआ है कि ये पूरे अरब मेरे महबूब के दुश्मन हैं। अली, क्या ये सारी दुश्मनी का मरकज तुम बनना पसंद करोगे? तो भाई मुझे तो नहीं मालूम और मैं जुमला कह भी नहीं सकता कि ज़ाते रिसालत से अल्लाह को ज्यादा इश्क था या अली को ज्यादा। अली का मंजूर करना कि मैं सारे अरबों की दुश्मनियां अपने ऊपर लेने को तैयार हूं, तेरा महबूब सलामत, तेरा महबूब सलामत। तूने कहा है तेरी बात कैसे डालूं, इसलिए कि ताते इलाही में मैं पीछे नहीं रहना चाहता, तेरा हुक्म और मैं डालू। तेरा हुक्म तो उस पैक में ये भी तय हुआ होगा, सोच लो अली, दुश्मनियों का रुख मोहम्मद से हटकर तुम्हारी तरफ जब आएगा, जब चेहरे से चादर हटेगी तो ये ना समझना कि दुश्मनी सिर्फ तुमसे है, नस्ल में जाएगी। तुम्हारी नस्ल में जाएंगी ये दुश्मनियां। अली ने जिम्मेदारी ले ली, कहा ये भी मंजूर। तो अब समझ में आया कि आले मोहम्मद की कुर्बानियां इश्क़े अल्लाह है जो मोहम्मद से था। वो था, उसने नहीं चाहा कि मोहम्मद तलवार खाकर शहीद हो। इश्क़ जो था, इसी से तो पता चलेगा अल्लाह को इश्क इतना है। इश्क इतना है, कौन कौन है जो सामने आए और कयामत तक उम्मत नाते पढ़े, झूमे नामे मोहम्मद। हम नहीं चाहते कि कहीं से आवाज आए, कोई उम्मती ये कहे कि मोहम्मद से हमें इश्क नहीं। नहीं, हम नहीं सुनना चाहते। झूठ मूठ भी कुछ वाकयात हो तो इश्क मोहम्मद में कोई भी जुनूनी किसी को मार मार के कहीं पर भी माजी में हाल में मुस्तकबिल में उम्मत को ये यकीन दिलाए इश्क अल्लाह है मोहम्मद से, इश्क अल्लाह है मोहम्मद। यही शान रिसालत थी कि अल्लाह ने इस शान रिसालत को बाकी रखने के लिए अली से मुआहदा किया। अली उस मुआहदे पर पूरे उतरे और अब तक उतर। तो जब अली ने ये वादा किया कि हम नस्लों की गारंटी लेते हैं, हमारी नस्लें इश्क मोहम्मद में कट जाएंगी, तो क्या आज के शियों को नहीं देख रहे थे अली? तो ये मुआहदा तो अब तक का हुआ है। अब ना होता बात अरब की थी वहीं खत्म हो जाती,
छुप छुपा कर नस्ले अली दूसरे मुल्कों में आ गई। दुश्मन क्या पीछा करते हुए आए, दुश्मन क्या पीछा करते हुए आए। नहीं नहीं, दुश्मन भी सब वही मर खप गए, यहां नहीं आए दुश्मन, यहां नहीं आए दुश्मन। उसने हर जगह पैदा किए, वो मुहादे को समझ गया, वो जान गया था सरहद पार करके जो औलाद अली जा रही है, ये हर मुल्क में जाके मोहम्मद का बोलबाला करेगी। उसने दुश्मन बना, पहले उसने काफिरों को मुस्लिम बनवाया, कलमा पढ़ो जल्दी जल्दी मुसलमान हो, फिर उनके दिमागों में भरा वो वाले काम करो जो अरब कर रहे थे। तो इन काफिरों ने जो दीगर मुल्कों के काफिर थे जो कलमा पढ़कर मुसलमान हुए, उन्होंने शैतान से पूछा भाई हमारा क्या वास्ता, हम मोहम्मद से क्यों दुश्मनी करें। शैतान ने कहा तुम्हें नहीं मालूम, उस जमाने में टीवी नहीं था, अखबार नहीं था, उस जमाने में जराए हालात नहीं थे, तुम और वो एक है। काफिरों ने कहा कैसे, कहा वो दुश्मन जो मोहम्मद के मक्के में रहते थे वो भी बुत परस्त थे, तुम भी बुत परस्त थे, तुम सबको एक हो, तुम सबको एक हो। उनके समझ में बात आ गई, उनके समझ में आ गई, हम भी बुत परस्त, मक्के वाले भी बुत परस्त, अब हमें मक्के वालों का साथ देना है, मोहम्मद का साथ नहीं देना है। तो अब अली वालों के साथ जो कुछ हो रहा है वो लोग कर रहे हैं जो बुत परस्तों के दोस्त हैं। ये सब बातें ना कीजिए, उनका कोई मजहब नहीं, मजहब है उनका वही मजहब है जो इस्लाम आने से पहले मक्के वालों का मजहब था। समझ में आए, रिसर्च की जाएगी तब समझ में आए। दुश्मन हो गए हजरत मोहम्मद के, क्या बड़ा कारनामा मौला अली ने किया। किसी की दुश्मनी अपने ऊपर ले लेना ये कोई आसान बात नहीं है। रुख ही मुड़ गया, जब तक चादर थी समझे मोहम्मद, जब तक चेहरे पर चादर थी समझे मोहम्मद। चादर हटी, मोहम्मद तो नहीं अली है। तो अब जिस शिद्दत से आए थे, अली को मार तो ना सके, दांत पीस कर रह गए, लेकिन तय किया अब इसको मारेंगे, अब इसको कत्ल करेंगे, अब इसे मारेंगे। अब वो यही समझते रहे जब तक अली हैं मोहम्मद बचे हुए हैं, ये पता ही नहीं अली का पैग कयामत तक का हुआ है। काफिरों को ये बातें क्या मालूम, यहां तो वसीयत पर अमल करते रहना है। बेटा हसन मैं चला, अब तुम सिपर बन जाओ नामे मोहम्मद की। हसन सिपर बन गए, हसन चले तो क्या हुसैन, अब तुम सिपर बन जाओ नाना की। भाई वादे होते गए, मोहम्मद का नाम बोल बाला होता गया। अच्छा अगर मुहायदा था तो बेटों से मुहायदा था, बेटियां तो शामिल नहीं थी, लेकिन बेटियों ने देखा कि अगर भाई हमारे नामे मोहम्मद पर कुर्बान है तो जो हम कर सकते हैं हम वो करेंगे, अगर हम गला नहीं कटा सकते और औरत जिहाद के मैदान में नहीं जा सकती इसलिए कि औरत पे जिहाद साकित है इस्लाम में, तो हम जबान से जिहाद करेंगे और हम जबाने कटा कर देंगे अगर मोहम्मद के खिलाफ बोला जाए। आप तौहीन-ए-रिसालत की बात कर रहे हैं, आज आपको
کس نے یہ سکھایا ہے کہ توہین رسالت ہو جائے تو پورا مسلمان جوش میں آ جائے نام محمد بچانے کے لیے. یہ زینب کبرا کی زبردار یہ بس سمجھ کے حسین لڑکی ہے. میں ہوں, میں موجود ہوں, میں موجود ہوں, اور تو نے جو لفظ نکالے ہیں یہ تجھ تک رہ جائیں گے. اب تیرے بعد کوئی دوہرا نہ سکے گا کہ نہ وحی آئی نہ فرشتہ آیا ملک و مال سے کھیل کھیلا. سن لے, یہ وحی کہے گا جو پیدائشی حلال زیادہ نہ ہو. اتنا ہی تو کہا تھا حضرت زینب نے, ڈر گیا. کس بات سے ڈر گیا؟ اس کو پتا تھا کہ صرف اشارہ کیا ہے اور سب کے کان کھڑے ہو گئے. زینب پورا شجرا بھی سنا سکتی ہے. شجرے کا تعارف کراؤ, دربار یزید میں یزید کے شجرے کا تعارف کراؤ. سمجھو گئے, اندازہ ہو گیا کہ اب اگر توہین محمد ہوگی تو پھر شجروں پہ بات ہوگی, شجروں پہ بات ہوگی, شجروں پہ بات ہوگی. اور رہ گئے یہ کہ کوئی بلا آئے, کوئی مصیبت آئے, کہیں سے آواز اٹھے, وارث موجود, وارث موجود ہے. علی کا وعدہ تھا, وعدہ باقی, وعدہ زندہ. تو اس سے پہلے کہ آگے بڑھتا کہیں اور جاتا, مشکل منزلیں ہیں جن کو سمجھانا آسان نہیں ہے. امت نے جو مرتبہ رسول اللہ کا تھا وہ مرتبہ معاویہ کا بنا دیا گیا. شام میں اپنے آپ کو کہلواتا تھا کہ مجھے رسول اللہ کہا کرو, یہ تو دم گھٹ گیا بنی امیہ کا. آپ کربلا کو سمجھے کہاں کیا کیا ارادے ٹوٹ گئے, کیا کیا پلان تھے جو خاک میں مل گئے. کربلا بھی سمجھ میں نہیں آئے. دو رخ ہیں شان رسالت کے, دو رخ ہیں شان رسالت. اذن ہے حسین, جیسے بدر میں فتح ہوئی نبی نے اختیار اور اقتدار مادی عرب پہ دکھا دیا. تم چاہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے, اس طرح بھی کام ہو سکتا ہے. سب خیریت سے رہیں, عرب پہ راج تمہارا ہو. کیا حقیقت ہے ان آزاد کردہ غلاموں کی؟ تم آقا ہو, تم سردار ہو, ہم نے تمہیں سردار بنایا ہے, تم سید السادات ہو. بولو کیا چاہتے ہو, کیا چاہتے ہو؟ اس طرح روحانی پہلو سے سب کچھ چاہیے, یا تم مادی نقطۂ نظر سے, انسانی اسباب و علل سے, دنیاوی قاعدوں سے تم فتح حاصل کر لو گے؟ حسین کا کر لوں گا. ضرورت نہیں ہے کہ ہم آسمانی اصولوں پر کاربند ہو کر ان راستوں سے اپنے کام شروع کریں. ہم تو ایک ایسی مثال پیش کریں گے کہ دنیا سمجھ بھی نہیں پائے گی. ہر انسان, دنیا کا ہر انسان اپنے معاشرے
का एक फर्द है, उसके साथ मसाइल। कौन ऐसा समाजी इंसान है जिसके साथ मसाइल नहीं है? कभी वो बीमार है, कभी वो सेहतमंद है, कभी उसकी औलाद नहीं हो रही, कभी औलाद है, वही औलाद उसे परेशान कर रही है। इसके औलाद का अच्छा होना जरूरी है, नस्ल को आगे बढ़ना। कभी कहत है और कभी दौलत है, कभी फाके हैं और कभी शेरी है, और फिर चारों तरफ उस फर्द के अजीब अजीब मसाइल हैं। अगर सगा भाई है, दोस्त है तो दोस्त है, दुश्मन है तो दुश्मन है, बाप है माँ है, और खानदान आगे चचेरेदार भाई है, मामूदार भाई है, बहने हैं, शादी है, ब्याह है, घर को चलाना है, खाना है, पीना है, रिस्क है, चलना है, फिरना है, यही तो है तेरा वो समाज, यही तो है वो तेरा समाज। तो अंबिया ने इस समाज के लिए मुकम्मल नमूने नहीं पेश किए। सब आए, आदम भी आए, नूह भी आए, इब्राहिम भी आए, मूसा भी आए, ईसा भी आए, सब आके चले गए। सरकार हमारे नाना भी आए, उन्हें जो अपना उस्वा हसना दिखाना था, अपनी सीरत दिखाई, चले गए। अब मैं ये चाहता हूं कि चाहे वो किसी हुए जमीन पर बसने वाला इंसान हो, उसके लिए ये नहीं है कि सिर्फ भाई बहन मुसलमान के होते हैं और यहूदी के नहीं होते। भाई बहन, भांजे भतीजे, बीमार अलील अच्छे, मुसाफरत सफर हर वतन, ये हर एक का मसला है। ईसाई हो या यहूदी हो या काफिर हो या हिंदू हो, देख मैं तेरी पूरी इंसानियत को, मैं अपने पूरे खानदान को लेकर मदीने से निकल रहा हूं। अब एक खानदान जा रहा है और हर एक देख रहा है कि अगर मुसीबत आएगी तो एक खानदान पे आएगी, उसमें भतीजा भी है, भांजा भी है, वो यहूदी भी देखे, ईसाई भी देखे, काफिर भी देखे, मुस्लिम भी देखे, शिया भी देखे। सुन, ये तो हमारा गम है, ये तो हमारा गम है, ये तो हमारा गम है। बहन तो सबकी है, बेटी तो सबकी है, ये हुसैन की बेटी बीमार है, बेटी तो हमारी भी बीमार हो। कुछ नहीं समझ रहे आप, कहां समझ रहे। हुसैन पूरी इंसानियत के लिए एक मिसाल बन गए कि अगर जिंदगी गुजारना चाहते हो तो मेरी तरह गुजारो। अगर तुम मसलों में घिरे हो तो मुझको देखो, कितने मसले मैं लेकर चला हूं, मैं कितने मसले लेकर चला हूं। कोई आसान है कंट्रोल कर लेना? सगा भाई हो और बहादुर हो, और वो बिफड़ा हुआ हो तलवार चलाने पर, मेरे जुमले नक्श कर लो सीने पर। दुनिया नहीं समझी कि मादी नुक्ते नजर से रूहानी इख्तियारात को हुसैन ने तर करके मादी नुक्ते नजर से कायनात पर किस तरह फसा पाई है। नस करो यहां, नस करो, दुनिया हुसैन की फतह नहीं समझी। खानदान को देखो, सब कट जाएंगे मगर हम जिंदा रहेंगे, हम जिंदा रहेंगे, हम ऐसे जिंदा रहेंगे कि जब किसी का जवान बेटा मर जाएगा तो वो ढूंढता फिरेगा, हम मरहम का इंतजाम कहां से करें। ढूंढेगा कायनात में, ठहरो, यहूदी ढूंढेगा मूसा का जवान बेटा मरा, ईसाई ढूंढेगा ईसा का जवान बेटा मरा, काफिर ढूंढेंगे राम लक्ष्मण का कोई जवान बेटा मरा। सारी दुनिया पलट के आएगी, अली अकबर को देखो, मैं फजाइल पढ़ रहा हूं। मैंने कह दिया था तकरीर इख्तितामी हुसैन पर होगी। हुसैन नबी की जिंदगी का एक पहलू है। हुसैन शान रिसालत का एक पहलू है। कभी सोचा है आपने इस पहलू पर? कौन सा दुनिया का इंसान है जिसकी बहन नहीं होती? और बहन के मामले में वो गैरतदार होता है, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो काफिर हो,
چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو یا مسلم ہو, بہن کے معاملے میں کون حساس نہیں ہوتا, کون نہیں ہوتا؟ آپ کو پتا ہے کیا ہوتا تھا؟ میں کہاں تک تاریخ میں پڑھوں اور کہاں تک سکھاؤں اور بتاؤں؟ کافر ہندو راجپوت جب مسلم حکمراں حملہ کرتے تھے ہندوستان پر تو آپ کو پتا ہے کیا ہوتا تھا؟ ان بھائیوں کی بہنیں جب انہیں پتا چل جاتا تھا کہ ہمارا بھائی ہار جائے گا لڑائی میں اور گرفتار ہو جائے گا تو ہندو قوم کے راجاؤں کی بہنیں اور بیویاں آگ پہ بیٹھ جاتی تھی اور اپنے آپ کو جلا لیتی تھی. یہ تو انسانیت کی توہین تھی, وہ سمجھتے تھے ہماری عزت ہے. جب راجا پکڑ جاتا آگ جلاتی عورتیں, اس کو کہتے تھے ستی کی رسم, بیویاں ستی ہو جاتی دلہن بن کے آگ پہ بیٹھتی اور اپنے کو جلا لیتی تاکہ کوئی ہماری عزت پہ ہاتھ نہ ڈالے, توجہ ہے نا آپ کی. اور بہنیں کلوں سے کود کود کے خوشی کر لیتی کہ اب ہماری عزت کا کوئی رکھوالا نہیں رہا. حسین نے کہا یہ انسانیت کی توہین ہے, آؤ ہم تمہیں سکھائیں کہ ہماری عورتیں پورے دین کی عزت بچا کر نکل گئے. کہاں بیٹھے ہو؟ دین کی عزت بچا لی, شان رسالت بچا لی اور آواز دی کہ دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ ہم کمزور خاندان کے ہیں. توجہ ہی نہیں, ہندوستان کے راجاؤں کو اپنی شجاعت پہ ناز تھا, اس کے باوجود ان کی بہادر بہنیں خودکشیاں کرتی تھیں. زینب نے بتایا میں فاتح خیبر کی بیٹی ہوں, اگر تلوار سمجھ میں بات آ رہی ہے نا, ہماری توجہ ہے نا آپ کی, توجہ ہے نا آپ کی. یہ باریک باتیں ہیں, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, بہت سمجھنا ہے. ہم بہادر لوگ ہیں, یہ نہ سمجھنا کہ اگر کوئی ذاکر 1400 برس کے بعد زینب کبریٰ کی شجاعت پہ دلیل دے تو تم یہ نہ کہنا یہ خیالی بات ہے, ذاکر کی بات مان لینا ورنہ گناہ لازم آئے گا. جنگ خندق ہونے والی تھی اور دشمن یلغار کیے ہوئے تھا مسلمانوں پر, نبی گھر کی تمام عورتوں کو لے کر گئے تھے اور خیمے لگائے تھے اس طرح کہ ایک طرف عورتوں کے خیمے تھے اور پیچھے پہاڑیاں تھیں. وہی انتظام حسین نے کیا تھا, جدھر سے خیام کھلے تھے ادھر خندقیں کھود کر آگ جلا دی تھی. ہماری زندگی میں خیام پر یہ حملہ نہ کر سکے, یہ کمزوری ہوتی تھی. دشمن ڈرانے کے لیے عورتوں کی طرف جاتا تھا, اس لیے کہ عرب غیرت دار تھا. یہ خربا تھا جنگ کا کہ کمزور کر دو, جب ہم عورتوں پہ حملہ کریں گے تو یہ ادھر بچانے خیمے چلے جائیں گے, جو ادھر بچ جائیں گے ہم انہیں مار لیں گے, جو باقی بچیں گے انہیں بعد میں مار لیں گے. حسین جانتے تھے ان کا مزاج کیا ہے کہ یہ اس حد تک اپنی غیرت کو کھو دیتے ہیں اور اپنی حریت کو کہ یہ بھی نہیں سمجھیں گے کہ یہ پیغمبر کے گھر کی عورتیں ہیں, اس لیے کہ یہ پہلے کافر تھے. اور جنگ خندق میں رسول اپنی تمام بیویوں کو, اپنی پھوپھیوں کو, اپنی بہنوں کو, چچا دار سب کو لے کر گئے تھے, سب خیام ہیں. اور سرکار نے حسان بن ثابت سے کہا عورتوں کی طرف تم جاؤ اور اس طرف تم پہرا دو, صرف اتنا دیکھتے رہنا کہ ادھر سے کوئی کافر نہ آ جائے.
इस तरफ से रुख हमारी तरफ है ख्याल और उधर से कोई ना आ जाए। हसन बिन साबित शायर थे, शायरी करते थे, वो टहलने लगे पीछे की तरफ। कुछ काफिर तलाश करते हुए पहाड़ी दर्रे से उधर पीछे आ गए। पता लगा उन्हें कि इधर क्या है, उन्हें पता चल गया इधर औरतों के खयाम। ये खबर पहुंचानी थी उनको, अब तलवार भी उनके पास और वो टहल रहे। सरकार की खुकी सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब ने पुकार कर कहा, हसन बिन साबित देखो ये काफिर आ गए हैं इस तरफ, ऐसा ना हो कि ये हमला कर दें, ये जासूस लगते हैं, जाओ इन्हें मार दो। देखिए सरकार की खुफी को मालूम है किस वक्त इकदाम क्या होना चाहिए। मैंने पहला लफ्ज तकरीर का कहा था ऐसा घराना, जुमला ना भूलिएगा, उसी घराने की बातें हो रही है करबला तक। एक घराना सोच फिक्र दीन की हिफाजत। हसन बिन साबित ने कहा हां सरकार ने मुकर्रर तो किया है, मैं तो शायर हूं, मुझसे शेर कहलवा लीजिए, मैं किसी का गला नहीं काट सकता, मैं किसी को मार नहीं सकता। कच्छा नहीं कर सकते तो ना करो, ये कहकर अली के खैमे में गई, फूफी भतीजे के खैमे में गई और उस वक्त अली बाहर थे, खैमे से बाहर नबी के पास ये गई और अली का लिबास सफिया ने पहना, सर पे खोद रखा, जरा बख्तर पहना, हाथ में तलवार ली और एक बार नारे तकबीर कहकर हमला किया, गला काटकर सर को जनाबे सफिया ने काफिरों के सर काटे और सर काटकर उनके खयाम की तरफ, सारे काफिर घबरा गए, इधर से हमला हो रहा है भागे। सफिया वापस आई, किसी ने सरकार को बताया उधर से काफिरों ने हमला किया था, कहा तो हसन ने उन्हें मारा नहीं, कहा हसन ने तो कह दिया शेर का, फिर क्या हुआ, कहा आपकी खुफी ने अली का लिबास पहना, तो मुस्कुराए, कहा क्या कहना बनी हाशिम की औरतों की शजाअत का। ये बात मैंने क्यों सुनाई, याद है, इसलिए सुनाई कि ज़ैनब सफिया की भतीजी, सफिया की भतीजी फातह खैबर की बेटी है, उस मां की बेटी है जो तनहा हाकिम वक्त के सामने दरबार में जाते, मां भी बहादुर, नाना भी बहादुर, हुसैन और हसन और 18 बहादुर भाइयों की बहन है, अब्बास जैसे शजा की बहन, ओनो मोहम्मद जैसे शजा की मां है, अब्दुल्ला बिन जाफर जैसे शजाए रोजगार की सौजा है। शजातों ने जैनब की हवेली के गिर्द पहरे दिए हैं, कहा जुमलों की सीमा तो समझा करो, शजातों ने जैनब के गिर्द पहरे दिए हैं, शजातों के साए में जैनब सोई है, खैबर व खंदक का हाल मालूम है, जुल्फिकार रोज घर में देखती है, जुल्फिकार की तहरीर पढ़ लेती है जैनब, कितने काफिर मारे हैं, कोई हद है जैनब की सजा की, कोई हद है। लेकिन अगर जैनब मैदान जंग में
सफिया की तरह आ जाती, फूफी की तरह, तो कायनात के किसी कौम किसी मुल्क की औरत शर्माती कि हमें तलवार चलाना नहीं आती, हम मर्दों का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए जैनब ने वो बात सिखाई, कमजोर से कमजोर औरत अगर चाहे तो फातिह बन सकती है। बस दया कर दिया तुमने, इंसानियत के रास्ते से सिखाया कि औरत किस तरह फातिह बन सकती है। वो हक का मुजाहरा करके बातिल को दबा सकती है और उसे शिकस्त दे सकती है, पर जरूरी यह है कि वो औरत फातिह बनेगी, वो औरत फातिह बनेगी जिसने हमेशा अपना खानदानी शजरा बचाया हो। अपने किरदार को ताहिर बनाए, इतनी पाकीजा हो कि तठीर उसकी ताकत बन जाए। दुनिया की माओं ने जैनब को सिखाया बच्चे पालना, लेकिन शराफत और इफ्फत की जिंदगी में शजाअत है। क्या क्या सिखा दिया जैनब ने और कौन कौन से पहलू मैं आपको बता रहा हूं। ये जैनब का कमाल था, हम ऐसा कर सकते हैं। और ये ना समझना कि तन्हा हम शजा, अली की 18 बेटियां वही जज्बा रखती हैं, वही शजाअत रखती हैं। और जो बहुएं ब्याह कर आई हैं वो बहादुर घरानों से आई हैं, वो बहादुर घरानों से आई हैं। कहां से आई हैं? जनाबे रबाब के वालिद इमराउल कैस ने अपनी बेटियों को तीरंदाजी सिखाई थी, जनाबे रबाब को कमान और तीर के जरिए निशाने पे तीर मारना आता था। जब अश्र का हुक्म आया और जब पता चला कि लश्कर हमला करने वाला है, तो जनाबे रबाब ने कहा शहजादी अगर आप कहिए तो मैं अपनी कनीजों के साथ इस लश्कर का मुकाबला कमान से करूं। तो शहजादी ने कहा भाभी आप मेरे घर की बहू हैं, ये काम मेरा है, ये काम जैनब का है, आप सब्र कीजिए, हम देखेंगे दुश्मनों को, हम देखेंगे दुश्मनों को। और फिर जैनब ने दुश्मनों को देख लिया, शुरू से देख लिया। सैयद सज्जाद को सब्र की तलकीन कर ली, वो है जैनब जो इमाम वक्त को बात समझा रही है, तुम लाशा के गोरो कफन देख रहे हो, मैं यहां करबला की इमारत देख रहा हूं। नहीं समझे? यही तो चक्कर है कि हर बात समझाना पड़ती है। इमाम को इल्मे गैब होता है, सैयद सज्जाद को मालूम था कि रोजा बनेगा। जैनब ने मादी नुक्ते नजर से रावी बनकर अवाम को बताया रोजा बनेगा, रोजा बनेगा। मैं बताती हूं, बाबा ने बताया है यहां रोजा बनेगा। यहां अभी अभी मजलिस शुरू होने से 15 मिनट पहले नजफ और करबला से टेलीफोन था, सिर्फ ये बता रहे थे कितना मजमा है, 3 बम फटे हैं, साय रुक नहीं रहे, यह बैत अली का अल्लाह से होता रहेगा। ये एक इलाही वादा है, समझना है, हर एक को समझना है। ये कहां रुकता है? बनी अब्बास ने रोक लिया, बनी उमैया ने रोक लिया, मक्के के काफिरों ने रोक लिया, तुर्को कतार ने रोक लिया। अगर सुपर ताकतों के सहारे अगर कोई कौम ये समझती है कि शियों को पीछे रख देगी तो निशान नहीं रहेगा। No!
की इजाजत से मातम भी करते हैं ये नौजवान, अपने होशो हवास में आके मातम करते हैं और मजलिस में बैठते हैं। याद रखना ये मातम जंजीर का किस बात की दलील है, ये कम और तलवार का मातम किस बात की दलील है कि दुनिया आके देखे नशे का इंजेक्शन लगा के मातम नहीं हो रहा। वजीरिस्तान में इंजेक्शन लगाया 16 बरस के लड़के को, अब वो रास्ते पर यही बकता जा रहा, मैं आ गया। और जब कब्र में आ रही आके कहेंगे मैं आ गया। दुनिया अकल से काम ले, बदखलियां मत फैलाओ, इंसानियत की तौहीन ना करो, तस्लील इंसानियत ना करो, अपनी इज्जत बढ़ाओ। दुनिया में इंसानों के बराबर मुसलमानों को आना चाहिए था। अहमकाना हरकतें करके वर्ल्ड में इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत का रास्ता हुसैन बता गए, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। मौतें अगर नहीं है तो इज्जत की लो। अरे ये तो इज्जत की मौत है कि पुलिस के ठोकरों में सर पड़ा होता है। हमारी शान है, आजादारी हमारी शान है, हम इसके जरिए जिए हैं। जैसे मछली को पानी चाहिए इस तरह हमें मातम चाहिए, इस तरह हमें आजादारी चाहिए। जैसे पाक पानी समंदर और दरिया का है, इसी तरह यहां भी पाक पानी बहता है। मिलते हैं मोहब्बत में, तभी तो कुरान ने कहा मरजल बहरैन यल्तकियान, दोनों दरिया अलग अलग बहते हैं, एक इधर सैयदा रूमाल में दोनों को मिला। मरजल बहरैन यल्तकियान, एक दरिया इधर जारी है, एक दरिया इधर जारी है, हम चाहते हैं तो मिला देते। वो आंसू क्या जो दोनों आंखों के कहीं मिल न सके। आंसू तो वो आंसू है जिनका रंग एक हो और रुमाल में पहुंच के दोनों मिले तो मोती बन जाए। ये है ये गंगा जमनी आंखें, ये है सलसबील कौसर। एक कौसर है एक सलसबील है, नहीं देखी गैब में है तो मजलिस में आके देखा था। हमें तो इन दरियाओं का पता नहीं था, ये दरिया सूखे पड़े थे, हमें क्या पता इसमें पानी है। जैनब ने कहा चश्मे बहेंगे, जिसके चश्मे बहे वही हलाली है। चश्मे बहा दिए, बड़े बड़े मौर्खीन ने लिखा, गिबन ने लिखा, कॉलाइल ने लिखा,
इतने आंसू बहा दिए गए हुसैन पर, अंग्रेज मोहर इतने आंसू बहा दिए गए 1400 बरस में कि अगर जमा किए जाते तो दुनिया डूब जाती। दुनिया को बचाया सैयदा ने, डूबने से बचाया। अब अंदाजा करो जिस पानी में दुनिया डूब सकती है, जो तूफाने नूह बन सकते हैं, कितने मोती होंगे, कितने दूर होंगे, कितने मोती होंगे। जैनब ने बताया ये रोने भी नहीं देते, ये हमें रोने भी नहीं देते, हमें नेजे मारते हैं तो हम रोने से भी काम नहीं ले सकते, हम गिरिया से भी काम, गिरिया हम करेंगे जब हम कैद से आजाद होंगे। अभी तो जैनब ने अपनी शजाअत का जायजा लिया, शजाअत का जायजा लिया और फिर बताया कि शजाअत का इजहार कैसे हो। शजाअत का इजहार रजत से है, तलवार से है, और चमकती हुई तलवार हो, तलवार में काट हो, घाट हो और तेजी हो, इतनी तेजी हो कि गले कटते जाएं। एक बार जैनब ने पुकारा अय्युहन्नास, ऐसा लग रहा था गदीरे खम में रसूल की आवाज आई है। कूफे का बाजार था और जैनब बोल रही थी, रोके ये शोर, शर्म ये शोर कैसा है बाजों का। आप जैनब का जलाल समझना चाहते हैं। अली लश्कर लेकर जमल में चले, मदीना खाली हो गया, कूफे का लश्कर, मदीने के सारे मुसलमान अली के साथ जमल में चले गए, सिर्फ औरतें थी मदीने में, मर्द नहीं थे। अली लश्कर लेकर चले गए थे, इतनी देर में कनीज ने आकर हजरत जैनब को बताया कि एक औरत के घर में अली को गालियां देने के लिए ढोलक रखी गई और गीत गाए जाएंगे और अली को गालियां दी जाएंगी। बस ये सुनना था, ये सुनना था कि जैनब ने बुरका ओढ़ा, चेहरे पे नकाब डाले और सीधे उस औरत के घर पहुंची। वो घर दूर नहीं था, मस्जिद नबवी में था, कहीं दूर नहीं जाना था। जैनब का सब रास्ता देखा हुआ था, उसी मस्जिद में बड़ी हुई थी, रोजा रसूल में बड़ी हुई थी। और एक बार जब अंदर गई तो सारी औरतें बैठी हुई थी जो दुश्मनाने अली थी, उनको क्या पता कौन आया है। एक बार जैनब ने अपने नकाब को हटाया, अब जो सबने देखा तो अली की बड़ी बेटी को देखा, सारी औरतें कांपने लगी। और एक बार जैनब ने कहा, तुम वो औरतें हो जिन्होंने मिस्र में यूसुफ जैसे नबी को आजिज किया था, और अगला जुमला कहा, तुम वो औरतें हो जिन्होंने मेरे नाना की जिंदगी को दुश्वार कर दिया था, आज तुम मेरे बाबा के लिए ये करने जा रही हो। जैनब कहती है, आवाज ना आए, मैं आवाज ना सुनूं। मदीने में अली की बेटी मौजूद है, ऐसा सन्नाटा छाया कि सबके दम निकल गए। जैनब का जलाल सबने देखा था, जैनब का जलाल सबने देखा था, डरते थे सब जैनब से। अब नहीं समझोगे तुम, ये जलाल था। जैनब के सामने तकीर का पर्दा था, जेनों से निकाल लीजिए कि किसी ने बीवी को देखा। देखिए उसके लिए काम हो रहा था, उसके प्यार में ताकत थी, उसने चाहा कि औरतें जाएं और मर्दों से बात करें, अल्लाह ने चाहा कि हुसैन के घर की औरतें बाजार में तकरीर करें, लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी थी, उस पर वाजिब था कि पर्दा वो कराए। किसी के दिल में शक ना आए, घबरा ना जाना, घबरा ना जाना, मैं दलीलों के साथ बात करता हूं, दलीलों के साथ बात करता हूं। जमीन कौन है, ये जमीन कौन है, ये अली की बेटी है, अली बूतराम है, अली बूतराम है, जमीन अली की बेटी है। जुल्फकार
مرب کے سر کو کاٹ کر زمین تک چلی۔ زمین علی کی بیٹی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ کی تلوار بیٹی پہ چل جائے؟ اس لیے اللہ نے جبریل سے کہا بلوں کو بچھا دو، بات پوری ہونے دو، دل بھر کے پھر داد دے لینا۔ اللہ نے نہیں چاہا کہ ذوالفقار زمین پہ پڑے، جبریل نے پر پھیلا لیا، پتہ چلا باپ اور بیٹی کے درمیان ملک کے پر آ جاتے ہیں۔ ارے زینب تو علی کی اصل بیٹی تھی، جس کے گھر جھولا جھلانے آئے اس زینب کا پردہ کرنے جبریل نہیں آئے۔ عقل میں اتر رہی ہیں باتیں یا نہیں؟ باتیں سمجھ میں آ رہی، دوسروں کو بھی سمجھا دینا۔ یہ اس پر واجب ہے کہ ان کا پردہ برقرار رکھے۔ دوسرا رخ سن لو، اس میں کوئی شک نہیں، حدیث ہے۔ دوسرا رخ یہ تھا، جو اس مت ماں بی بی کی سواری ان کی طرف نگاہ اٹھائے وہ اندھا ہو جائے۔ ایسا ہوتا تو پورا عرب پورا عراق اندھا ہوتا، صرف حافظ نہیں سمجھنے ہوتے۔ اتنی آسانی سے میں سب کچھ تمہیں پلائے چلا جا رہا ہوں، مجھے کیا ہوا؟ اندھے ہو جاتے اندھے، شرط کلمہ نہیں ہے۔ یا علی غسل تم دینا مجھے، اور صرف حجرے میں تم جانا، جبکہ کپڑا میرے جسم سے نہیں ہٹے گا، لیکن جو میرا نورانی جسم دیکھے گا اندھا ہو جائے گا۔ اگر کسی کو بلانا پانی ڈالنے کو تو پٹی باندھ دینا، تو نبی کی اولاد پہ جو نظر ڈالے وہ اندھا ہو جائے۔ اور اگر راستے میں سب نے دیکھا تھا تمہیں پتا ہے، معلوم راوی کوئی چیز چھوڑتا نہیں، سب کچھ بتاتا ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ آیت اثیر ہے، آیت اثیر ہے۔ کائنات اور فطرت کی ہر شے کو یہ حکم تھا کہ نبی میرا محبوب ہے، میرا حبیب ہے۔ اس گھر کی عورتیں جب بھی باہر نکلیں فطرت کی ہر شے کو پاک بن کرنا ہے۔ ارے جملوں کی قیمت ہے تمہارے پاس۔ جب تک زینب صحن میں رہتی تھی سورج نہیں نکلتا تھا، جب تک سیدہ صحن میں رہتی سورج نہیں نکلتا تھا، دنیا کے سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا۔ رات بڑی ہو گئی، دن چھوٹا ہو گیا۔ یہ کیوں چھوٹے بڑے رات اور دن ہوتے ہیں؟ جب ہی سے تو سورج کی عادت بگڑ گئی۔ جانے کب سیدہ صحن میں آ جائیں اور سورج کو رکنا پڑے۔ وہ تو زینب تلاوت کر رہی تھی، اور یہ گھر کی عادت ہے کہ جب بھی عبادت میں منہمک ہوئے تو دنیا کا نہیں پتا چلتا تھا، علی کے تیر لگ جائے اور نکالا جائے اور وہ نماز میں ہو علی کو پتا نہیں چلتا۔ زینب تلاوت کر رہی تھی قرآن کی، اور تلاوت کرتے میں ذرا سی چادر بس سر سے ہٹ گئی، پوری چادر نہیں، ذرا سی چادر۔ علی نے محسوس کیا، میں تو یوں دیکھ رہا ہوں نا، علی نے کیسے دیکھا ہوگا،
लकीर को देखा होगा, उफक को, आफ्ताब अब तक नहीं, आफ्ताब इमामत ने देखा, जश का आफ्ताब तुलू नहीं। फौरन उठे, दोष पे आबा डाली, वहां पहुंचे जहां ज़ैनब तिलावत कर रही थी। जैसे ही अली को आते देखा, ज़ैनब ने कुरान को बंद किया, सीने से लगाया, खड़ी हुई, अली आगे बढ़े, पेशानी को चूमा, का चादर सही करो, आफ्ताब नहीं निकला। इधर चादर आई सर, चादर आई आफ्ताब तुलू। अब राज समझे, आशूर को असर के बाद गहन क्यों लगा है सूरज को, ये आफ्ताब काला क्यों हो गया, आफ्ताब ने काला पर्दा क्यों ओढ़ा है और वो क्यों मोड़ा है, उसे मालूम है अभी खैमे जलेंगे, अभी खैमे जलेंगे, इसलिए चेहरे पे नकाब डालो। चांद 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 को गहन लग गया, चांद को गहन लग गया, अर्श ने खून की बारिश कर दी ताकि अर्श भी न देखे खुले सर, खून की चादरें पड़ गई आसमान और जमीन के दरमियान। क्या क्या सुनोगे, क्या क्या मैं बताऊं, और सवारियां इस शान से चली, ये कोई बेकस लोग जा रहे हैं, नाचार लोग जा रहे हैं, कमजोर लोग जा रहे हैं, अगर ये कमजोर है तो अल्लाह कमजोर है, शैतान मजबूत है, जिसके लिए इन्होंने काम किया है, जिसके लिए काम किया है उसका क्या काम है, उसका काम ये है कि वो अपने वाजिबात दिखाए, उस पर क्या क्या वाजिब है, जो इन पे वाजिब था वो कर दिया, अब उस पर क्या वाजिब है, उस पर क्या वाजिब है, अब उस पर ये वाजिब है कि फरिश्तों की निगरानी में ज़ैनब का एक एक लफ्ज रहे, शम यहां से छोड़ा था, शम बाजे रुकवा दे, बाजे बज रहे थे, रुकवा दे, आवाज है इन बाजों की, अली की बेटी कुछ बातें करना चाहती है कूफे वालों से। शिव ने कहा नामुमकिन है, इस इश्तिहाम में कौन जाकर रुकवा सकता है इन बाजों की आवाज को, का अच्छा देखे देखे कहां समझे आप, जब ये इरादा करते हैं तो वो इरादा करता है, जब ये इरादा करते हैं तो वो इरादा करता है। देख अली की बेटी, और ये कहकर बंधे हाथों से, बंधे हाथों से कलमे की उंगली को उठाकर दोनों रुखों से सिर्फ इतना किया था, बचते बाजे रुक गए, लोग गूंजे हो गए, बाजे खामोश हो गए। रावी कहता है ऊंटों के गले में घंटियां डाली थी ताकि शोर हो, ऊंटों ने गर्दन साकित कर ली, पैर नहीं उठा रहे थे, घोड़े खामोश हो गए, फजा खामोश हो गई, वजा खामोश हो गई, सन्नाटा। तुमने क्या किया अहले कूफा, तुम्हारी मिसाल उन कनीजों की है जो चुगलखोर इधर की उधर लगाती हैं, महलों की बातें ऐसे उधर पहुंचाती हैं, तुम्हें और क्या आता है पर कोई और अरे कोई के अलावा क्या है तुम्हारे पास, तुम्हारी मिसाल उस बूढ़ी औरत की है जो अपने चरखे पर कुछ सूत काटे और काट के अपने हाथ से नोच नोच के फेंक दे, तुमने खुद अपना गोश्त खाया है, तुमने आलम मोहम्मद का खातू नहीं किया, अब तुम रो रहे हो, ये तुम्हारा रोना, ये कयामत तक का रोना है, अब उम्मत रोती रहेगी, रोना दो तरीका है, रोना दो तरीका है, एक रोना हुसैन के लिए,
एक रोना बदबख्ती पर है, ये जैनब बदबख्ती वाले रोने को कह रही है। जो रोना हर इस्लामी हुकूमत रो रही, हम क्या करें कि इधर से आ जाते हैं उधर से आ जाते हैं, वहां बारूद पकड़ा गया, वहां ठेला पकड़ा गया, हम क्या करें, पुलिस क्या करे, फलाने क्या करे, ये क्या करे, वो क्या करे, रो, कुछ इख्तियार में नहीं है। नाम हुकूमत का है मगर इख्तियार नहीं है। मुझे समझाओ, मुझे बताओ, सब कहें हम फलानी चीज के मिनिस्टर हैं, हम फलानी चीज के मिनिस्टर हैं, हम यहाँ के डायरेक्टर हैं, हम वहां के सेक्रेटरी हैं, हम वहां के ऑफिसर हैं, हम वहां के डायरेक्टर हैं। अरे काहे के, जब कानून नहीं है और अमन कायम नहीं है तो हुकूमत कैसी? तो हर एक रो रहा है, सर फोड़ रहा है और आवाम रो रहे हैं, बिजली नहीं है, चीनी नहीं है, पानी नहीं है, रोटी नहीं है, आटा नहीं है, घर में पाते हैं। उम्मत भी रोए, उम्मत के अब्बा लोग भी रोए, सब मिल मिल के रोए, करे मिल मिल के रोए, कैसी ईद, कैसी बकरी, कैसा न्यू ईयर, ये तो रोना है, हाय हाय हाय। और जो अपोजिशन है वो रो रही है, हटो तो हम आए, हटो तो हम आए, असेंबली है तो वो रोए, सीट है तो वो रोए, मार्केट है तो वो रोए, हर वक्त आएगी का झगड़ा, हम बाजार खोल नहीं सकते, सौदा बेच नहीं सकते, हमें तिजारत में नुकसान हो रहा है, कंप्यूटर पर सारे शेयर्स आ रहे हैं, ये हो गया, ये हंगामा हुआ, ये नुकसान हुआ, ये हंगामा हो गया, ये नुकसान हुआ, घर मुझे राह नहीं गई, पास सामान आ नहीं रहा, इधर का रोना उधर का रोना इधर का रोना, जब दुनिया ये रोना रो रही है तो हम हुसैन को दुनिया वो रोए, हम हुसैन को रो, सब्र और शुक्र, जो मिल गया मिल गया, वहां मिला तो तिजोरी में गया, यहां मिला तो आधे से ज्यादा हुसैन को लुटा दिया, कोई परवाह नहीं। महंगाई थी बहुत ज्यादा, सब रोए लेकिन हलीमों में कमी नहीं हुई, बिरयानी में कमी नहीं हुई, तबर्रुक कम नहीं बटा। तो हम दुनिया को नहीं रो रहे, हम जैनब की ताशी में रो रहे हैं। और जैनब ने कहा ये रोना तुम्हारी बदबख्ती तुम्हारे साथ रहेगी, बदबख्ती साथ है। क्यों लाए थे आले मोहम्मद को बाजार में और फिर खुतबा देकर आगे बढ़ गई, और फिर इब्ने ज़ियाद को दरबार में जब लाया गया शहजादी जैनब को, तो उसका शजरा बताकर दुनिया का सारे तरीन इंसान, और कहा ओ इब्ने मरजाना, शर्म नहीं आती यार मोहम्मद के घराने की बीवियों का, तूने दरबार में बुलाया है। जलाल से दारुल अमारा हिल गया, दारुल हमारा हिल गया। और जब उसने ताजियाना उठाया बीवी के लिए, तो आपने कहा औरत को डराता है, औरत को वही डराता है जो नमाज होता है। ताजियाना दिखाता है, जैनब को ताजियाना दिखाता है। फिर सबका भरम खुल गया, फिर सबका भरम खुल गया, सब दीनी बने बैठे थे, रुख तो असल यही था जो चाहा अल्लाह ने कि हुसैन इस तरह बगैर रूहानी ताकत के इस रास्ते से आए और इंसानियत को पूरी करबला दे जाएं, ताकि इंसान सोचे कि खानदान कैसा हो, माशरे में कैसे रहा जाए, जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है, सब सिखाकर हुसैन ने इंसानियत को दे दिया। और उसके बाद अल्लाह ने बताया, तुम्हें मालूम है ये इतने ताकतवर थे, ये इतने ताकतवर थे कि दौलत देकर इंसानों को खरीदते थे। हुसैन को 72 मिले, बस इनकी मजाल नहीं थी कि 72 को खरीदते, जिधर लाखों हो और 72 हो
अगर मौजूदे से बहत्तर चाहते तो लाखों को तहे देख करके हुकूमत ले लेते, लेकिन हुसैन ऐसा कर सकते थे? इंसानियत का हर फर्द ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए सिखाना जरूरी था कि मादी नुक्ता नजर से फतह कैसे हासिल की जाती है। और देखो, दुश्मन अगर इज्जतदार बन रहा हो और अपने आप को रसूल कहला रहा हो और इस्लामी हाकिम कहला रहा हो, तो तारीख में उसे रुस्वा कैसे किया जाता है? अल्लाह ने हुसैन और ज़ैनब के जरिए बनी उमैया को कयामत तक के लिए जलील जलील कर। अब शैतान की कोशिशें हैं दोबारा इज्जत दिलाए, तो कुछ अपने नुमाइंदे बनाता है ताकि इज्जत दिलाए। अब इज्जत नहीं मिलेगी, कैसे इज्जत मिलेगी? इसलिए कि जैसे ही आप इज्जत लाएंगे, बात फिर वहां से शुरू हो जाएगी। बदर में रसूल के खिलाफ कौन आया था? अबू सुफयान आया था। सिफेन ने अली के खिलाफ कौन आया था? उसका बेटा आया था। हुसैन के खिलाफ करबला, अरे तो बदगोई का भी शजरा है, बातिल का यह शजरा है, और यह शजरा यजीद पे दम तोड़ गया। तीसरी नस्ल के बाद चौथी नस्ल हुकूमत ना कर सकी। यह ज़ैनब का कारनामा है, कायदीन अब तेरे बाद तख्त पे ना तेरा बेटा बैठ सकेगा न तेरा पोता बैठ सकेगा। ज़ैनब यहां आ गई, मैं मातम करके जा रही हूं। अब बनी उमैया अगर रह भी गए दुनिया में, रह भी गए तो उन्हें हुसैन को ही रोना पड़ेगा, इसलिए कि मैं जा रही हूं और फिर मैं आ रही हूं, और अब मैं निगरानी के लिए आकर शाम में बैठूंगी। जुमला सुन लो फिर वाबा कर लेना। ज़ैनब ने कहा, अब मैं वापस आऊंगी मदीने से और निगरानी के लिए शाम में बैठूंगी, इसलिए बैठूंगी कि कयामत तक शाम के तख्त पर यजीद ना आ सके। यजीद तो नहीं आया ना, नहीं आया, नहीं आ सकता। हाफिजुल असद, असद बशारुल असद, कैसे अच्छे अच्छे नाम लोगों के आए, लेकिन अब तख्त पे यजीद नहीं आ सकता। अब शाम में यजीद पाया ही नहीं जाता, जिसे जाना है वो मजारे ज़ैनब पर जाए। इस तरह शाम को फतह करके भाई की सफे अदा बिछा था, कल यही तक तो थे और फिर सवार हो गए। अजादारी शाम वालों को देख दे, तोहफे में अजादारी दे, पूरी दुनिया तक पहुंचा दो। ज़ैनब ने अजादारी के उसूल बना दिए, सर इसलिए मंगाए हैं ताकि ज़ियारतें आए इसी तरह जैसे सर आए। अब्बास का आलम इसी के मंगाया है ताकि मजलिसों में आलम आता है। बस खत्म हो गई तकदीर, आपकी जहमत पूरे शहर में आप बड़ी मोहब्बत से आए। लाखों औरतें थी, लाखों शाम के जब उन्हें पता चला शहजादी ज़ैनब जा रही, अब तो वो पहचान गई थी ये बीबी कौन। जब कैदी बनकर आई थी उन्हें कुछ नहीं पता था, अब तो वो जान गई थी। हाकिम के घर की औरतें भी जान गई थी। अल्लाह, यजीद की बीवी हिंद भी आ गई थी कैद खाने और वहीं जमीन पे बैठ गई थी। तुम कहां की रहने वाले? बीबी ने कहा मदीने के रहने वाले। तो मदीने में एक घर है जिस घर की मैं कनीजी कर चुकी हूं, वहां मेरी शहजादियां ज़ैनब और उनमें कुछ सून रहती है। आपके चेहरों पे बाल पड़े हैं, लेकिन आपकी शान ये बताती है कि उस घराने से ताल्लुक है। तो हजरत ज़ैनब ने कहा, हिंद तूने कहां पहचाना? मैं ही तो तेरी शहजादी ज़ैनब हूं। कला तुम हो गया, तुम्हें क्या पता कि कैसे कैद खाने से हिंद निकली। गरीबान फाड़ लिया, कपड़े फाड़ लिए उसने, और बाहर रोती हुई निकली और सर के बाल खोल दिए और
ماتم کرتی ہوئی یزید کے حجرے میں پہنچی اور دونوں ہاتھوں سے یزید کی پشت مارنا شروع کیا. شرم نہیں آتی محمد کی نواسیاں قید خانے میں کوہرام مچ گیا. شام میں تلاطم ہو گیا اور جب سکینہ بی بی کی قبر بن گئی تو کوئی گھر شام کا ایسا نہیں تھا جہاں سے رونے کی آوازیں نہ ہوں. شام کی عورتوں کو بڑا صدمہ ہوا سکینہ بی بی کے مرنے کا, بہت صدمہ ہوا. اور جب انہیں پتا چلا بیویاں جا رہی ہیں شہزادیاں اماریوں میں سوار ہو گئی تو شام کی عورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گودی میں لیے ہوئے زینب کے ناطے کے دل تباہ کر رہی تھی اور سب رو رو کر الوداع کہہ رہی تھی. شہزادی کو الوداع لاکھوں کا مجمع تھا اشتہام تھا. ایسے میں حضرت زینب نے اماری کا پردہ الٹ دیا اور کہا شام کی رہنے والی ہو تمہاری گودیوں میں بچے سلامت رہے ایک بچی ہم بھی گود میں لے کر آئے تھے. شام کے اندھیرے زندہ میں اس کی خبر بن گئی ہم خالی گود جا رہے ہیں. اے شام کی رہنے والیوں کاروبار زندگی سے جب فرصت پانا شام کو آ کر اس گورے غریبہ نے سکینہ کی قبر پر ایک چراغ جلا دو ایک شمع جلا دینا. رو لینا جملے غور سے سن لو میرے جملے مصائب کے بھی غور سے سنا کرو. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شب عاشورہ موم بتی کیوں جلاتے ہیں امام باڑے میں چراغ کیوں جلاتے ہیں. زینب نے کہا تھا ایک چراغ اس لیے کہ سکینہ اندھیرے میں تھی ایک چراغ. ارے مومن ایک چراغ نہیں جلا سکتا. آج خانوں میں روشنی ہوگی چراغ قیامت تک جلائے جائیں گے شمع روشن کی جائے گی. زینب کی فرمائش ہے ہم جلائیں گے شمع ہم جب بھی درگاہ میں جائیں گے ایک شمع جلائیں گے. زینب بی بی نے کہا تھا قبر سکینہ اندھیری نہ رہے. اللہ اکبر. نعمان بن بشیر یزید نے بلایا اور بلا کر کہا 2000 کا لشکر ہے اس قافلے کو حفاظت کے ساتھ لے کر جاؤ. چاروں طرف سپاہی رہے لیکن قافلے سے کئی میل دور چلنا نیزے اور تلواریں لے کر اتنی دور رہنا کہ جب راستے میں یہ قافلہ رکے تو کسی بی بی کی آواز تمہارے کان میں نہ آئے. ظاہر ہے کہ یزید کی بی بی ہند نے سب کچھ کہا ہوگا. تاریخ نے یزید کے نام سے لکھ دیا اسے ہوش کہاں تھا. اب یزید ہوش میں کہاں تھا یہ بھی سن لیجیے وہ ہوش میں نہیں تھا. جب انقلاب شام میں وبا ہو گیا اور سکینہ بی بی کی شہادت ہو گئی تو یزید رات کو سوتا نہیں تھا. اسے بہت سی بیماریاں لاحق ہو گئیں. ایک بیماری یہ ہو گئی کہ پیاس بہت لگتی تھی اور جب پانی لایا جاتا اور گلاس میں پانی ڈالا جاتا تو وہ دیکھتا ایک سانپ لہرا رہا ہے. پانی کی لہریں اسے سانپ ہٹاؤ یہ سانپ ہے اس لیے پانی نہیں پی پاتا تھا. پانی کو سانپ سمجھتا تھا. اور دوسری بیماری یہ ہوئی کہ پیٹ پھولنے لگا پیٹ پھولتا چلا گیا اور اس وجہ سے نیند نہیں آتی تھی. بڑے بڑے حکیم آئے راجہ تھا دولت مند تھا حکیموں کی قطار لگ گئی لیکن ہر حکیم نفس دیکھ کر کہتا بیماری تو کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے کہ حکمت میں ایسی کوئی بیماری کا نام ہی نہیں ہے.
ہیں، بس یہ کہ آب و ہوا تبدیل کرنے کے لیے کہیں چلے جائیں پہاڑی مقام پر، اور راتوں کو اٹھتا اور منہ کر کے دیوار کی طرف بیٹھ کے بالوں کو نوچ نوچ کے بال نوچتا اور روتا، اور ایک دن ہند آئی اور اس نے پیچھے سے مار مار کے کہا، اب کیوں روتا ہے اور کیوں بال نوچتا ہے؟ کہ رات آتی ہے تو حسین کا چہرہ سامنے آتا، حسین کا چہرہ سامنے، اور بار بار کہتے ہیں میرے بچوں کو قید میں کیوں رکھا، نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی، گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، موت سے ڈرنے لگا. پانی زندگی ہے اور وہ پی نہیں سکتا. لشکر نے کہا لے چلو بادشاہ کو، لے چلو پہاڑی مقام پہ، لے چلو شکار کھلاؤ، شکار کے شوقین ہیں، لے کے چلے. لشکر پیچھے رہ گیا، ایک ہرن نظر آیا، اس کے پیچھے گھوڑے کو دوڑایا، تیر مارے، ہرن نکل گیا، نشان خطا ہو گیا، بہت دور نکل گیا، پیاس لگی، زبان باہر آ گئی، مڑ کے دیکھا تو لشکر نہیں تھا، نہ وہ راستہ تھا، نہ وہ پرفضا مقام، ایک صحرا تھا، ایک صحرا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. سامنے دیکھا مشک لے کر ایک آدمی جا رہا ہے، دوڑا، مجھے پانی پینا تھا، میں پیاسا ہوں. اس نے مشک دہانا کھولا، زمین پہ پانی، مجھے پانی کیوں نہیں پلاتا، مجھے پانی کیوں نہیں پلاتا؟ کہ تجھے پانی ملے گا، حسین کے بچے پیاسے مارے گئے، تو نے قتل کروایا ہے حسین کو. کہ تو کون ہے؟ کہ میں اللہ کا ملک ہوں، کچھ اس پہ واجب ہے، کچھ اس پہ واجب ہے. دو رخ شان رسالت کے، موضوع میرا ختم ہو رہا ہے، شان رسالت کے دو رخ ہیں. اور وہ ملک غائب ہو گیا نگاہوں سے، گھوڑے کو پھیرا، سامنے لوہے کی دیوار تھی، دوسری طرف گھوڑے کو پھیرا، لوہے کی دیوار تھی، تیسری طرف رخ کو پھیرا، لوہے کی دیوار تھی، چوتھی طرف گھوڑے کو پھیرا، لوہے کی دیوار تھی. لوہے کی دیوار چلنے لگی جیسے آگ نکل رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دھماکہ ہوا، ایک دھماکہ ہوا، اور یزید پھٹ گیا، یزید پھٹ گیا، ایک ٹانگ رکاب میں رہ گئی، یزید کا پتہ نہ چلا، یزید کا پتہ نہ چلا. اور جب گھوڑا بڑھا دیواریں ہٹ گئیں، گھوڑا لیے ہوئے ایک ٹانگ چلا اور ڈیرے پہ آیا. لشکر والوں نے پہچانا یہ یزید کا گھوڑا ہے، یہ یزید کا گھوڑا ہے. ٹانگ دیکھی پہچان بھی، پورا لشکر ہاتھوں میں یزید کی ٹانگ لیے ہوئے، روتا ہوا چلا، روتا ہوا چلا. اور جب خبر آئی یزید کی یہ ٹانگ بچی ہے، ارے ٹانگ تو نے نشانی کے لیے کیوں رکھی؟ تاکہ ٹانگ دفن ہو، اگر کوئی یزید کا جانے والا تو جوتوں پہ جا کے مرے. ختم ہوا یزید، 3 سال کے بعد ختم ہوا. دیکھا حسین نے کیا کہا تھا، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر. یہ عزت کی موت ملی ہے یزید کو، اسے کہتے ہیں ذلت کی موت. حسین کی موت ہے عزت کی موت. یہی بتا کر زینب چلی، فاتح بن کر چلی، لشکر دور دور، لشکر دور دور، قافلہ چلا یہاں تک کہ کوفے سے قریب ہوا. سید سجاد، کوفہ قریب آ رہا ہے بیٹا، نعمان بن بشیر سے کہہ دو کربلا ہو کر مدینے جائیں گے، کربلا ہو کر مدینے جائیں گے. ذرا سوچو کائنات میں اللہ کی کیا کوہرام ہوگا، بھائی کی قبر پہ بہن، ممتاز حسین صاحب نجمہ فیلی کا مسدس پڑھ رہے تھے. یہ کوئی آسان بات ہے کہ بس کہہ دیا جائے کہ بہن بھائی کی قبر پہ آ رہی ہے؟ کس شان سے آئی، کس شان سے آئی؟ اس لیے کہ وقت وہ تھا
کہ جابر قبر حسین سے لکھتے تھے، صحابی رسول قبر سے لکھتا تھا، حسین میں پکار رہا ہوں تم جواب نہیں دیتے، آواز آئی کہا جابر میں سن رہا ہوں لیکن ذرا قبر سے دور تو ہٹو، میری بہن میرے قبر پر آ رہا ہے، میری بہن میری قبر پہ آ رہی ہے۔ کہتے ہیں آپ لے رکے قبر حسین پر رکے، لیکن راوی کہتا ہے کہ ناکوں کو پہلے بٹھایا جاتا ہے، خواتین کو عرب میں اتارا جاتا ہے، لیکن راوی کہتا ہے ناکا بھی بیٹھا رہی تھا کہ زینب کی اماری کا پردہ ہٹا اور زینب نے اپنے آپ کو ناکے سے قبر حسین پر گرا دیا۔ دیکھا بہن کیسے قبر بھائی پر آئی ہے، یوں آئی قبر برادر پہ رہتا۔ اب ذرا سوچو پہلی بات بھائی سے کیا کہیں گی، کیا یہ کہیں گی بازوؤں میں رسی باندھی، کیا یہ کہیں گی بازاروں میں پھرایا گیا، کیا یہ کہیں گی درباروں میں لے جایا گیا، صرف قبر حسین سے لپٹ کر ایک بات کہی، کہا بھیا چلتے وقت تم نے سکینہ کو میرے حوالے کیا تھا، میں سکینہ کو نہ لا سکی، بھیا کیا کروں ساتھ آ کر تم جس طرح تم عزاداری کرتے ہو یہ تمہاری شان ہے، سن لو ایک بار، جب گریا کا شور ہوا تو قبیلہ بنی اسد کی عورتیں گھروں سے نکل پڑی، چادریں سر پہ ڈال ڈال کے بچوں کو لے کر کربلا میں عورتوں کا مجمع ہو گیا، زینب کے ساتھ سبیبیاں اتر پڑی ناکوں سے، ہر بیوی ایک قبر سے لپٹی تھی، ہر بیوی ایک قبر سے لپٹی تھی، مگر ایک بیوی کبھی مٹی کے ڈھیر پہ ادھر گرتی کبھی ادھر گرتی، اور رو رو کے کہتی ہے زمین کربلا میرا علی اصغر کہاں ہے، قبر سے آواز آئی ربا علی اصغر میرے سینے پر، اور حسین کی قبر پہ چادر ڈال دی، اور اس کے بعد سر حسین کو ہاتھ میں لیا اور قبر پہ رکھا، اور اس کے بعد تمام شہیدوں کے سر، علی اکبر کا سر، قاسم کا سر، بچوں کے سر، حسین کے سر کے پاس قبر پہ رکھ دیا، اور اس کے بعد تمام بیویوں سے کہا میرے ساتھ سات قدم پیچھے ہٹو، تمام بیویاں قبر سے پیچھے ہٹی اور زینب بھی پیچھے ہٹی اور سات قدم ہٹ کر کہا اب میرے ساتھ بڑھو، یہ کہتی ہوئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا، اور اس کے بعد جب زیارت کا طریقہ گئے، واپس بازار میں لائی گئی، واپس